الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا قوت دس تو پا ختم ہو جائے گی قوت دس تو پا ختم ہو جائے گی پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو کھا
खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। रूह शद्दाद की जब निकाली गई, रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैर बागे इरम की न उसको मिली। शद्दाद एक आदमी था, उसने अपनी नकली जन्नत बनाई थी, दुनिया में उसने जन्नत बनाई थी। रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैर बागे इरम की न उसको मिली। हाथ मलता गया और ये कहता गया, हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, अजल का मतलब मौत, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो। हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता रूह कब, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो। है मुकद्दर तो मिल जाए दो गज जमी, है मुकद्दर तो मिल जाए दो गज जमी, वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं। सर्दियों की रात है, इतने ठंडे मौसम में भी आप अपने घर को छोड़कर, अपने बिस्तर को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर यहाँ इस पिंडाल के नीचे अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए आए हैं। ये इस बात की दलील है कि आपके सीने में जो दिल है, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, उसके रसूल की मोहब्बत है। मुझसे पहले आपने मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी हफिजहुल्लाह का बड़ा कीमती खिताब समाप्त किया। अल्लाह ताला मौलाना मौसूफ की बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, एक मुसलमान, एक मोमिन जब तक 6 चीजों पर ईमान ना लाए, तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। 6 चीजों पर ईमान लाना ये कंडीशन है, ये अनिवार्य है, जरूरी है। जब तक आप 6 चीजों को नहीं मानेंगे, आप मोमिन नहीं हो सकते। अंतुमिना बिल्ला, सबसे पहली चीज आपको अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है। आपको ये अकीदा रखना है कि अल्लाह है और अल्लाह एक है, और अल्लाह ही अकेला इस कायनात का पैदा करने वाला, इस पूरी दुनिया को चलाने वाला, हम सब का क्रिएटर, हम सब का सस्टेनर है। और यही नहीं, आपको यह भी अकीदा रखना है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत जायज नहीं है। सजदा अगर जायज है तो अल्लाह के आगे जायज है। दुआ अगर किसी से करना है तो अल्लाह से करना है। किसी से औलाद मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी है। बीमारी से शिफा मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी है। बिगड़ी बनाने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है।
मुश्किल कुशा अगर कोई है तो अल्लाह है, सबको नवाजने वाला कोई है तो अल्लाह है, सबको देने वाला दाता अगर कोई है तो अल्लाह है, सबकी मदद करने वाला गौस आजम अगर कोई है तो अल्लाह है। ये अकीदा भी आपको रखना, और इसीलिए पांच टाइम की नमाज में हम कम से कम 17 बार अल्लाह ताला की बारगाह में ये इकरार करते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, यू वी वर्शिप, ओनली यू वी वर्शिप, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, एंड यू वी आस्क हेल्प, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तू ही हमारा माबूद है, तू ही हमारा मुश्किल कुशा है। ये पहली चीज है आपको अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है, तौहीद आपके अंदर होनी चाहिए, आपका अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर होना चाहिए, और यही आपके इस्लाम की बुनियाद है, आपकी पहचान है। दूसरी चीज वा मलाइकतिही, और आपको अल्लाह ताला के फरिश्तों के ऊपर भी ईमान रखना है, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया है, और ये अल्लाह की मखलूक मासूम है, ये गुनाह नहीं करती, ये खता नहीं करती, इसको अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म को ये पूरा करती है, उस आदेश का ये पालन करती है। ये दूसरी चीज है जिसके ऊपर हमें और आपको ईमान लाना जरूरी है। तीसरी चीज वह कुतुबी ही, और हम अल्लाह ताला की तमाम किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं, अलग अलग नबियों पर उसने अलग अलग किताबों को उतारा, मूसा अलैहि सलाम के ऊपर तौरात उतारी गई, ईसा अलैहि सलाम के ऊपर इंजील उतारी गई, दाऊद अलैहि सलाम के ऊपर जबूर उतारी गई, और हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतारा गया। तमाम किताबों पर हम और आप ईमान रखते हैं, लेकिन हां हम ये भी मानते हैं कि कुरान करीम के आने के बाद अब कानून अगर चलेगा तो कुरान का चलेगा, अब तौरात का नहीं चलेगा, अब इंजील का नहीं चलेगा, अब जबूर का नहीं चलेगा, कुरान ने आकर के पीछे की तमाम किताबों को मनसूख कर दिया। हम ईमान सब किताबों पर रखते हैं मगर कानून फॉलो करते हैं कुरान का, इसलिए कि पिछली तमाम किताबों में चेंजिंग हुई है, तहरीफ हुई है, लेकिन कुरान वो किताब है कि 4 साल का बच्चा कुरान का हाफिज है और उसके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, इस कुरान को उतारने वाले हम हैं और इस कुरान की हिफाजत भी हम ही करेंगे, कुरान महफूज है, कुरान करीम पर कोई आंच नहीं आ सकती। सारी दुनिया के अंदर जितनी लाइब्रेरियां हैं, जितने मदरसे हैं, जितने स्कूल हैं, जितने कुतुबखाने हैं, सारे के सारे कुरान के नुस्खों को अगर कोई जालिम, कोई फासिक, कोई फाजिर अगर कुरान के सारे नुस्खों को भी जला दे तब भी कुरान महफूज रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने इस कुरान को सीनों में महफूज कर दिया है, इस कुरान की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला ने ली है, इस कुरान की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने दी। अक्सर आप सुनते होंगे कुरान को की बेहुरमती की गई, कुरान को जलाया गया, कुरान को फाड़ा गया, कुरान से बड़ी दुश्मनी है लोगों को, मगर कुरान वो किताब है जितनी भी दुश्मनी निभा ले कुरान को मिटाया नहीं जा सकता, इसकी गारंटी अल्लाह ने दी। तो हम और आप अल्लाह की तमाम किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। ईसाई से पूछो तुम इंजील को मानते हो, हां मानता हूं, कुरान को मानते हो, नहीं मानता। यहूदी से पूछो तुम तौरात को मानते हो, हां मानता हूं, इंजील को मानते हो, नहीं मानता, कुरान को मानते हो, नहीं मानता। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम तो तौरात को भी मानते हैं, हम तो इंजील को भी मानते हैं, और हम अल्लाह की आखिरी किताब को भी मानते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान के पहले पारे में अपने मोमिन बंदों की, अपने मुत्तकी बंदों की पहचान बयान की, फरमाया अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, अल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका,
ऐ नबी जो किताब आपके ऊपर उतारी गई, इस किताब के ऊपर भी अहले ईमान ईमान रखते हैं, मुसलमान ईमान रखते हैं, और आपके पहले दुनिया में जो किताबें उतारी गई उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं। तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाना जरूरी है, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर। नंबर चार, वर्रसूल ही, और हम अल्लाह के तमाम रसूलों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। कितने नबी दुनिया में आए हमें मालूम नहीं, उनकी तादाद, उनकी संख्या। एक हदीस में 1,24,000 की गिनती आई, मगर वह हदीस सही नहीं है, ज़ईफ़ है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि अनगिनत नबी दुनिया में आए। वले कुल कौम नहाद, हर कौम के अंदर कोई ना कोई डराने वाला, कोई ना कोई हिदायत देने वाला आया है। कुरान में 25 नबियों का नाम आया है। हम जिन नबियों का नाम जानते हैं उनके ऊपर भी ईमान रखते हैं, जिन नबियों का नाम हमको नहीं पता हम उन नबियों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। मगर हम यकीदा रखते हैं कि इतने नबी दुनिया में आए कि हम उनकी संख्या नहीं जानते, मगर नबियों के सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर 1400 साल पहले तशरीफ लाए, और आप आखिरी नबी, आपके बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबियीन। ओ लोगो, मेरा आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो जवान हुआ हो, वो किसी जवान बेटे के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, किसी मर्द के बाप नहीं है, और वो अल्लाह के रसूल हैं। वह खातमन नबीन, और वो आखिरी नबी हैं, हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हम इस पर ईमान रखते हैं। चार चीजें हो गई, छह चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। नंबर पांच, वल यौमिल आखिर, और पांचवी चीज जिसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है वो कयामत का दिन है, आखरत का दिन है। हम और आप ये अकीदा भी रखते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में नेक लोगों की नेकी का उनको पूरा पूरा बदला नहीं देता है, गुनाहों के करने वाले को गुनाहों की पूरी पूरी सजा नहीं देता है। एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिस दिन अल्लाह नेक लोगों को उनकी नेकी का पूरा पूरा बदला देगा, और गुनाह करने वालों को उनके गुनाहों की पूरी पूरी सजा देगा, और उस दिन का नाम है कयामत का दिन, द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ रिजरेक्शन। वो हिसाब का दिन होगा, वो कयामत का दिन होगा। इसीलिए हम पांच टाइम की नमाज में उस दिन को भी याद करते हैं, और हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, वही इंसाफ के दिन का भी मालिक है। दुनिया की अदालतें बिक सकती हैं, दुनिया की अदालतों से नाइंसाफी हो सकती है, हो सकता है कि कातिल को बरी कर दे दुनिया की अदालत, और हो सकता है कि बेकसूर को जेल में डाल दे, हो सकता है कि जालिम को सजा दे, जालिम को छोड़ दिया जाए, और हो सकता है कि मजलूम को सजा दे दी जाए। अभी आपने एक फैसला सुना होगा अदालत का, इसी मुल्क के एक इलाके में 4,000 घरों में रहने वाले मुसलमानों के बारे में यह फैसला कर दिया गया कि वो इलीगल जगह पे रह रहे थे। कोई पूछने वाला नहीं है साहब, जब वो जगह इलीगल थी 90 साल से वहां पर लोग कैसे रहते थे? वहां मस्जिदें भी बन गई, वहां मंदिर भी बन गए, हॉस्पिटल भी बन गए, सरकारी स्कूल भी बन गए, आप कहां सोए हुए थे? और आज जब 90 साल से 2-3 पीढ़ियां वहां गुजर चुकी और 50,000 से ज्यादा लोग वहां पे रह रहे हैं, आपकी अदालत ये फैसला कर रही है कि वो जगह ही लीगल है, उनको वहां से हटा दिया जाए। मेरे भाइयों, छोटी छोटी बच्चियों की आंखों में आंसू हैं, बूढ़े बूढ़ी औरतों की आंख में आंसू हैं, सर्दी का मौसम है, सड़क पर बैठ करके वो बूढ़ी औरतें अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रही हैं, अपनी कौम के लोगों को याद कर रही हैं। आज ये नाइंसाफी भी दुनिया देख रही है। मालिक यौमिद्दीन, एक ऐसा भी दिन आने वाला है जिस दिन अल्लाह ताला तमाम मजलूमों को इंसाफ दिलाएगा और तमाम जालिमों से इंतकाम लेगा। इंसाफ होगा कयामत के दिन।
वहां कोई अमल करके आप बच नहीं सकते। हम ये समझते हैं हमने रात में 12 बजे कोई गलत काम किया, हमने लाइट ऑफ करके कोई गलत काम किया, हमने बंद कमरे में कोई गलत काम किया, हमारे बाप को नहीं पता, हमारी माँ को नहीं पता, हमारे भाई को नहीं पता, किसी देखने वाले ने नहीं देखा। ओ लोगो, जहाँ कोई देखने वाला नहीं है वहाँ अल्लाह देख रहा है। उस अल्लाह की कुदरत का तो ये आलम है, उस अल्लाह के इल्म का तो ये आलम है। वह इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। हमारे किरामन कातिबीन का कैमरा 24 आवर ऑन है, 24 घंटे उनका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। तुम रात में 12 बजे भी जो पाप कर रहे हो, तुम बंद कमरे में जो पाप कर रहे हो, तुम कंबल के अंदर छुप करके जो गुनाह कर रहे हो, उस गुनाह को भी लिखा जा रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अरे अमल तो बड़ी दूर की बात है, तेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज को भी नोट किया जा रहा है, तेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों को भी नोट किया जा रहा है, अल्लाह के सब रिकॉर्ड हो रहा है। एक एक जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ। एक जर्रा के बराबर भी तुमने कोई गुनाह का काम किया है वो भी अल्लाह की बारगाह में तुम देख लोगे, जर्रा बराबर तुमने कोई नेकी का काम किया है वो भी अल्लाह की बारगाह में देख लोगे। कयामत के दिन हिसाब होगा मेरे भाई। जानते हो हमारे नबी के ऊपर सबसे आखिरी आयत कौन सी उतरी? चलो आपकी जनरल नॉलेज में एक इजाफा कर देता हूं, आखिरी आयत हमारे नबी के ऊपर कौन सी उतरी जानते हो? सूरह बकरा की एक आयत, तीसरे पारे की एक आयत उतरी जो अल्लाह के नबी के ऊपर आखिरी आयत उतरी थी। उस आयत के उतरने के 9 दिन के बाद अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल हो गया, आपकी वफात हो गई। कौन सी आयत है वो? जरा उस आयत को सोचिए मेरे भाइयों, उस पर गौर कीजिए कि इस आयत के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर सबसे आखिरी आयत यही उतारी। واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله। उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, तुम्हें अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। और हर इंसान को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी के साथ कोई जुल्म और अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। वो आखिरी दिन कयामत का दिन होगा। मेरी प्यारी माओ बहनों, आप तो शौकीन होती हैं जेवरात की। अल्लाह ने कुरान में कहा कि औरतें तो शौकीन होती हैं, अब मैं यूनस शौकिल हिलिया, वो जेवरात की बड़ी शौकीन होती हैं। जेवर लेने के लिए आप सोनार के पास जाती हैं, नाक में जो आप नथिया पहनती हैं और नाक में जो कील पहनती हैं, वो कील भी अपने तराजू पर सोनार रख करके तौल करके बता देता है कि ये कितने मिलीग्राम की है। ग्राम नहीं, ग्राम का भी हजारवां हिस्सा, कितने मिलीग्राम है सोनार के तराजू पर औरत की नाक की कील का वजन भी पता लग जाता है। हमें बड़ी हैरत होती है, हम कहते हैं यार ये सोनार का तराजू तो बड़ा खतरनाक है, ये तो औरत के नाक की कील का वजन भी बता रहा है। ओ लोगो, मेरा रब भी कयामत के दिन एक तराजू रखेगा और उस तराजू का आलम यह होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वह नज़ुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा व इन काना मिसक़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन आतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे और एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई चीज की होगी। राई बुझते पा रहे हैं? राई को क्या बोलते हैं आपके बंगला में? सरसों बोलते हैं। कितना 1 किलो की होती होगी? उसका एक दाना कितना वजन का होता होगा? उसका वजन हमारी नजर में तो कुछ नहीं है ना। एक राई का दाना, एक सरसों का दाना, अ मोस्ट लिटिल थिंग, हमारी नजर में सबसे छोटी चीज है वो।
अल्लाह फरमाता है वइन काना मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दलिन आतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई गलत काम किया, तुमने कोई नेकी का काम किया, हमारे तराजू पर वो सामने आ जाएगा। वकफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो तुम्हारा हिसाब हम लेंगे, हम लेंगे तुम्हारा हिसाब। अल्लाह हम सब का हिसाब आसान कर दे, कयामत का दिन ऐसा होगा मेरे भाई। दुनिया में बच्चा स्कूल में पढ़ता है, बच्चा मेहनत करके आया है, लिख करके आया है, एग्जाम का रिजल्ट आया, बच्चा फेल हो गया। बच्चे के माँ बाप स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल से मुलाकात करते हैं, साहब मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा लिख करके आया है, आपने फेल कैसे कर दिया? प्रिंसिपल ने टीचर को बुलाया, तुमने इसको फेल क्यों कर दिया? टीचर कहता है, सर इसने लिखा तो था मगर गलत लिखा था, ये फेल होने के लायक है। बच्चे के माँ बाप कहते हैं, नहीं नहीं हमको यकीन नहीं, हमारा बच्चा बहुत मेहनत से लिख करके आया है। टीचर कहता है, अच्छी बात है, मैं कॉपी ले आता हूं, आप कॉपी देख लें। बच्चे की कॉपी ले आता है और कॉपी देख करके माँ बाप को भी मानना पड़ता है कि हमारा बच्चा फेल होने के लायक था। कयामत के दिन भी हमने दुनिया में जो किया होगा, हमारे अमल की आंसर बुक भी हमको दे दी जाएगी। कयामत के दिन हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कयामत के दिन हमारी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा हमको दे दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, वकुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुकिही वनुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हम कयामत के दिन हर इंसान के नामे आमाल को, उसकी जिंदगी भर की किताब को उसकी गर्दन में डाल देंगे और हम उससे कहेंगे, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ए मेरे बंदे, ये तेरी किताब है, ये तेरा नाम आमाल है, ये तेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा है, अब तू खुद अपना हिसाब ले ले, तू खुद अपनी परीक्षा ले ले। अल्लाह, ये होगा कयामत का दिन। हमारा ईमान है कि कयामत आएगी। ये पांचवी चीज है जिस पर हमको ईमान रखना है कि कयामत होगी। और छठी चीज, वल कद्र खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के ऊपर भी ईमान रखना है। तकदीर में अच्छा लिखा हो तब भी ईमान रखना है, बुरा लिखा हो तब भी ईमान रखना है। एक भाई करोड़पति है, एक भाई बेचारा परेशान है, एक भाई प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी ले रहा है, दूसरा भाई को कारोबार में घाटा हो रहा है। उसके दिल में हसद पैदा हो गया, उसके दिल में जलन पैदा हो गया, उसके दिल में ईर्ष्या पैदा हो गई। वो सोचने लगा, ये तो इतना पैसा कमा रहा है, मेरा घाटा क्यों हो रहा है? इसका घाटा क्यों नहीं हो जाता? इसका कारोबार क्यों नहीं टूट जाता? इसका मकान क्यों नहीं गिर जाता? इसका बच्चा क्यों बीमार नहीं हो जाता? दुनिया में हर चीज का इलाज है, हसद का इलाज नहीं, बड़ी खतरनाक बीमारी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत को खबरदार करके फरमाते हैं, इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम हसद कभी ना करना, तुम किसी को खुश देख करके कभी ना जलना, किसी की नेमत को देख करके तुम्हारे दिल में जलन कभी पैदा ना हो, इसलिए कि हसद नेकियों को खा जाता है, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। आग में लकड़ी डालो तो लकड़ी खत्म हो जाएगी, हसद की आग में तुम्हारे उम्रे बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे हज बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारे दान, तुम्हारे सदका खैरात बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। जानते हो ये हसद क्यों होता है? ये हसद इसलिए होता है कि अल्लाह की तकदीर पर ईमान कमजोर होता है। जिसका तकदीर के ऊपर ईमान होगा, वो ये जानता है कि मेरे मुकद्दर में जो रोजी अल्लाह ने लिखी है वो मुझको मिलकर के रहेगी। मैं जब अपनी मां के पेट में था, मैं 4 महीने का था, मैं 120 दिन का था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बच्चा अपनी मां के पेट में रहता है और 4 महीने का हो जाता है, 120 दिन का हो जाता है, अल्लाह ताला के हुक्म से बच्चे के अंदर रूह डाल दी जाती है। इसीलिए 4 महीने के ऊपर का जो बच्चा होता है उसके अंदर रूह पड़ी होती है।
एबॉर्शन करवाना तो गुनाह है, बड़ी मजबूरी है, औरत की जान खतरे में है, डॉक्टर ने कह दिया इसकी जान बच नहीं सकती, मजबूरी में ऑप्शन है, मगर चार महीने के बाद अगर कोई एबॉर्शन करवाता है तो ये और बड़ा गुनाह है, क्योंकि बच्चे के अंदर रूह डाल दी गई है। अल्लाह के नबी फरमाते रूह डाल दी जाती है, और चार चीजें फरिश्ता लिख देता है, फयुक्तबु अमलुहु वअजलुहु वरिज़्क़ुहु वशक़िय्युन अव सईदुन, उसका अमल लिख दिया जाता है, उसकी उम्र लिख दी जाती है, कितनी उम्र पाएगा, 20 साल पाएगा, 40 साल पाएगा, 70 साल पाएगा, कितनी जिंदगी पाएगा लिख दिया जाता है, वह रिज़्क़ुहु उसकी रोजी लिख दी जाती है, कितनी रोजी पाएगा, और ये भी लिख दिया जाता है, वो बदनसीब होगा या खुश नसीब होगा, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, वो ईमान वाला बनेगा या काफिर बनेगा, वो नमाजी बनेगा कि बेनमाजी बनेगा, वो माँ बाप की खिदमत करने वाला बनेगा या माँ बाप का दिल दुखाने वाला बनेगा, सब लिख दिया जाता है। तो जब हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है तो भाइयों, हसद जो करेगा इसका मतलब कि उसे अल्लाह की तकदीर पर भरोसा नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वर्द बिमा कसम अल्लाह लक तकुन अगनन्नास, तुम्हारी तकदीर में, तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है तुम उसके ऊपर राजी हो जाओ, तुम उसके ऊपर सेटिस्फाइड हो जाओ, तुम उसके ऊपर संतोष कर लो, तुम उसके ऊपर सब्र कर लो, तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा जिसको अल्लाह ताला कनात की दौलत दे दे, जिसको अल्लाह ताला सब्र की दौलत दे दे, संतोष की दौलत दे दे, उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं है। तो छह चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अल्लाह पर ईमान लाना है, फरिश्तों पर ईमान लाना है, किताबों पर ईमान लाना है, रसूलों पर ईमान लाना है, कयामत के दिन पर ईमान लाना है, और तकदीर के ऊपर ईमान लाना है। छह चीजें होंगी। अब इसमें जो कयामत है, ये कयामत कब आएगी, कौन से साल आएगी, कौन से महीने आएगी, कौन से दिन आएगी, कौन सी तारीख को आएगी, ये किसी को नहीं पता, ये कोई नहीं जानता कि कयामत कब आएगी। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है कि कयामत कब आएगी। पांच चीजें ऐसी हैं जो गैब की कुंजी है। कुंजी बुझते बरन, कुंजी मीन्स चाबी। पांच चीजें गैब की कुंजी है। गैब मीन्स जिसको अल्लाह जानता है। कौन सी पांच चीजें हैं? सूरह लुकमान की आखिरी आयत देखिए, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साह वयुनज्जिलुल गैसा वयअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। पांच चीजों का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कयामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वयुनज्जिलुल गैसा, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह को मालूम है। क्रिकेट का मैच होता है, मौसम विभाग वाले कहते हैं कि आज कलकत्ता में बारिश होवे ना, और बारिश हो जाती है, मैच कैंसिल हो जाता है। बारिश के बारे में मौसम विभाग के लोग अपनी भविष्यवाणी करते, उनकी भविष्यवाणी फेल हो जाती है। वह युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी, कहाँ होगी, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वयालमु मा फिल अरहाम, और माँ के पेट में क्या है, ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। आप बोलेंगे मौलाना साहब अब तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, अब तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि माँ के पेट में बच्चा कितने दिन का है, ये भी पता चल सकता है कि लड़का है कि लड़की है, ये अलग बात है कि भारत में हमारे अपराध है, जुर्म है ये पता करना, लेकिन पता चल सकता है। और अल्लाह तो कह रहा है कि मां के पेट में क्या है ये मैं जानता हूं। डॉक्टर आपको ये बता सकता है कि मां के पेट में लड़का है या लड़की है, वो ये बता सकता है कि मां के पेट में जो बच्चा है वो कितने महीनों का है, कितने हफ्तों का है, कितने दिन का है। मगर उस मां के पेट में जो बच्चा है वो कितना खूबसूरत होगा, वो कितना बदसूरत होगा, वो
अच्छी सीरत वाला होगा या बुरी सीरत वाला होगा, वो नमाजी होगा या बेनमाजी होगा, वो तौहीद वाला होगा कि शिर्क वाला होगा, वो अल्लाह का फरमा बरदार होगा या नाफरमान होगा, वो अच्छा होगा या बुरा होगा, ये कोई नहीं जानता। वह यालमु मा फिल अरहाम, अल्लाह तो वो है जो उस बच्चे की सारी डिटेल जानता है, सारी डिटेल जानता है। बड़े बड़े अल्लाह के वलियों, बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदों, जिनको लोग आज ये कहते हैं कि वो हमारी बिगड़ी बना देते हैं, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के औलिया भी जब अपनी माँ के पेट में थे उनको ऑक्सीजन पहुंचाने वाला अल्लाह था, उनको माँ के पेट में गिज़ा पहुंचाने वाला अल्लाह था, उनकी सांसों को चलाने वाला अल्लाह था, उनके दिल की धड़कनों को चलाने वाला अल्लाह था। वयालमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। चार दिन पहले मेरा प्रोग्राम था महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश में मेरा प्रोग्राम था और मुझे मुंबई जाना था, ट्रेन से टिकट बना था मेरा। मैं रात में आराम से तकरीर कर रहा था, ये सोच करके तकरीर करने के बाद को रात को 2 बजे मुझको ट्रेन पकड़ के मुंबई जाना है। तकरीर खत्म करके मैं स्टेज से उतरा, मोबाइल निकाला, ट्रेन को चेक किया, पता लगा ट्रेन 7 घंटा लेट, 7 घंटा लेट, 7 घंटा ट्रेन लेट है। अगर मैं ट्रेन से मुंबई जाऊंगा मैं प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा। आनन फानन मैंने मोबाइल पर चेक किया कोई फ्लाइट है कि नहीं, पता लगा करीब नागपुर का एयरपोर्ट है, नागपुर से मुंबई का मैंने टिकट बनाया और अगले दिन मैं सुबह 9 बजे मुंबई पहुंचा। मैं तो सोच के आया था घर से मैं ट्रेन से मुंबई जाऊंगा, दोपहर में पहुंचूंगा, लेकिन ट्रेन का टिकट कैंसिल करके मुझे फ्लाइट से आना पड़ा। इस तरीके के बहुत सारे वाक्यात हमारी जिंदगी में होते हैं। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। और पांचवी चीज, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कब मरेगा, मौत कब आएगी, कोई नहीं जानता। ओ मेरे नौजवान साथियों, तुम रात में अपने कान में ईयरफोन लगा करके सोते हो। मेरे नबी जब बिस्तर पे जाते थे, दाहिनी करवट लेटते थे, वजू करके लेटते थे और ये दुआ पढ़ के लेटते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अय अल्लाह तेरे नाम से जीता हूँ और तेरे नाम से मरता हूँ, अय अल्लाह मैं बिस्तर पे सोने जा रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी रूह को तू कब्ज कर ले, हो सकता है मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, अय अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर के सोने जा रहा हूँ। हमारा नौजवान कान में ईयरफोन लगा के सो रहा है, किसी लड़की से बात करके सो रहा है, गुनाह का काम करके सो रहा है, अल्लाह ना करे उसी हाल में अगर उसको मौत आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, सोचो कल कयामत के दिन भी जब वो उठेगा तो उसके कानों में ईयरफोन लगा होगा और अपने मुंह से वो गंदी बातें करता हुआ कल कयामत के दिन भी उठेगा। इंसान जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई हाजी हज करने गया और एहराम की हालत में मौत आ गई तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं उसको अलग से किसी कपड़े में मत कफनाओ, उसी एहराम के कपड़े को उसका कफन बना दो और उसी हाल में उसको कफना दो, उसी हाल में उसको दफना दो, उसको अलग से किसी कपड़े में न कफनाओ। फइन्नहु याती यौमल क़ियामति मुलब्बियन, इसलिए कि वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए दुनिया से गया है और कल क़यामत के दिन जब वो उठेगा तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ उठेगा। जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बेंगलोर में एक जगह है शिमोगा, बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर। बनारस के एक आदमी वहां कारोबार के लिए जाते हैं, एक होटल में कमरा लेते हैं, बाथरूम में नहाने जाते हैं, शावर का नल खोलते हैं, नहाने लगते हैं, बाथरूम अंदर से बंद है, कमरा भी अंदर से बंद है।
शावर ले रहे हैं, नहा रहे हैं, उसी हाल में अचानक दिल की धड़कन बंद हो जाती है, मौत का फरिश्ता आ जाता है और रूह को निकाल लेता है। बाथरूम में शावर चालू है और डेड बॉडी जमीन पर पड़ी है, शावर का पानी बह रहा है। एक घंटा हो गया, पूरा बाथरूम पानी से भर गया। होटल वालों को कुछ पता नहीं, होटल वाले सोचने लगते कि कई घंटे हो गए, ये आदमी बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। दरवाजा बहुत बार बार खटखटाया गया, कोई आवाज नहीं आई। दरवाजे को तोड़ के जब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, देखते कमरे के अंदर कोई नहीं, बाथरूम के पास गए, बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज नहीं। जब बाथरूम का ताला तोड़ करके दरवाजा खोला गया तो देखा कि डेड बॉडी मौजूद है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरेगा। मेरे दोस्त थे, बंबई में रहते थे, मौलाना अब्दुल रहमान सलफी साहब, खूब भालो वक्ता, बहुत अच्छे मुकर्रर, बहुत अच्छी तकरीर करते थे। आपके बंगाल में भी आते थे, बंबई से पूना जाते हैं तकरीर करने के लिए। तकरीर करने के बाद जल्दी जल्दी वो टैक्सी पकड़ते हैं, और टैक्सी इसलिए पकड़ते हैं कि जल्दी से बंबई जाना है। मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और मस्जिद में फजर की नमाज उनको पढ़ाना था। ओ लोगो, दुनिया की इससे ज्यादा खतरनाक ड्यूटी तो कोई नहीं होती जितनी खतरनाक ड्यूटी एक मस्जिद के इमाम की होती है। सारे मोहल्ले के लोग मस्जिद में फजर की नमाज में आए या ना आए, बेचारा इमाम तो उसको आना ही आना है। वो रात में बीवी से मुलाकात भी करता है तो उसको गुसल करना ही करना है, क्योंकि उसको सुबह फजर की नमाज पढ़ाना है। ओ लोगों, इससे ज्यादा टफ ड्यूटी, इससे ज्यादा मुश्किल ड्यूटी क्या हो सकती है। मगर हम उस इमाम को क्या देते हैं, 5,000-10,000 रुपया महीना देते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने उसको गुलाम बना लिया। मस्जिदों के इमामों को हम इतनी हकारत की नज़र से देखते हैं। अगर उसने कभी नमाज में सजदा लंबा कर दिया, उसने रुकू थोड़ा बड़ा कर दिया, उसने नमाज थोड़ी लंबी पढ़ा दी, तो सारे मोहल्ले के लोग उसका हिसाब लेने लगते हैं। ओ लोगो, अपने इमामों की कदर करो, अपने मौलवियों की कदर करो, ये दुनिया की सबसे मुश्किल ड्यूटी निभा रहे हैं। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब टैक्सी पर बैठ गए, टैक्सी में टोटल 9 लोग हैं, टैक्सी चल रही है और टैक्सी का ड्राइवर बहुत स्पीड से चला रहा है। रास्ते में पेट्रोल पंप आता है, ड्राइवर तेल लेने लगता है। मौलाना अब्दुर्रहमान कहते हैं कि भाई तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, मैं यहीं उतर जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वो कहता है अच्छा मौलाना साहब, अब मैं गाड़ी सही चलाऊंगा। तेल लेता है, गाड़ी को आगे बढ़ाता है, फिर पूरी स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है, गाड़ी अपना बैलेंस खो देती है। अचानक गाड़ी एक दूसरी ट्रक से टकरा जाती है और खतरनाक हादसा हो जाता है, और 9 लोगों में से 8 लोगों का इंतकाल हो जाता है। 8 लोग उसी मौके पर मर जाते हैं, एक औरत सिर्फ जिंदा बचती है। और मेरे प्यारे साथियों, उन मरने वालों में मेरे दोस्त मौलाना अब्दुर्रहमान भी थे, बिल्कुल यंग थे, नौजवान थे, छोटे छोटे उनके 2 बच्चे थे। उनकी जवान बीवी ने, उनके छोटे छोटे बच्चों ने क्या सोचा था कि मैं मेरा बाप आज मुझको छोड़ के जा रहा है, कल वो जिंदा नहीं लौट पाएगा। क्या उनकी बीवी ने सोचा था कि कल सुबह मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरे शौहर का इंतकाल हो जाएगा। क्या उनके माँ बाप ने सोचा था कि हमारा बच्चा दुनिया से चला जाएगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरेगा, कोई नहीं जानता। तो ये 5 चीजें हैं जिनकी नॉलेज सिर्फ अल्लाह के पास है। इसमें से एक चीज है कयामत कब आएगी, ये अल्लाह को पता है। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में, मनुष्य की शक्ल में अल्लाह के प्यारे नबी के पास आते हैं और आकर के आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं, और उन्हीं सवालों में एक सवाल ये भी करते हैं, अखबिरनी अनिसा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कयामत के बारे में बताइए कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, मल मसूल अनहा बि आलम मिन साइल, ऐ सवाल करने वाले जितना तू जानता है उतना तो मैं भी जानता हूं, जब तुझको नहीं पता कि कयामत कब आएगी तो मुझको भी नहीं पता कि कयामत कब आएगी, कयामत का एग्जैक्ट इल्म मुझको भी नहीं है। हाँ, कयामत की निशानियां मैं तुमको बता सकता हूं, लेकिन कयामत कब आएगी मैं नहीं जानता। तो कयामत
कब आएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन कयामत की कुछ निशानियां अल्लाह ने कुरान में बताई हैं और अल्लाह के नबी ने हदीसों में बताई हैं। इंशाअल्लाह आज की तकरीर में हम उसको आपके सामने बयान करेंगे। अगर आप गौर से सुनेंगे बड़ी बातें मिलेंगी, बड़ी नसीहत मिलेगी और इंशाअल्लाह हम और आप अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे। कयामत की निशानियां, मैंने एक आयत पढ़ी थी आपके सामने सूरह अंबिया की पहली आयत, कुरान के 17वें पारे की पहली आयत, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون। लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, लोगों के इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लोगों के परीक्षा का समय आ चुका है, लेकिन लोग फिर भी गफलत में पड़े हैं। एक लड़का स्कूल में पढ़ता है, एक स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता है, साल भर वो पढ़ाई करता हो या ना करता हो, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, जब एग्जाम का टाइम आता है, तो साल भर ना पढ़ने वाला स्टूडेंट भी पढ़ाई करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। वो लोगो, एक हिसाब हमको भी देना है और वो हिसाब हमको मरने के बाद कब्र में भी देना है और कल कयामत के दिन भी देना है, और हम नहीं जानते कि कयामत कब आएगी और हम नहीं जानते कि हम कब मरेंगे। हो सकता है कि हम कल मर जाएं, हो सकता है कि हम आज ही मर जाएं। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है इक्तरब लिन्नास हिसाबहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। ओ लोगों, तुम कितने बड़े नादान हो, तुम्हारे हिसाब का टाइम आ चुका है, फिर भी तुम अल्लाह को छोड़े हुए हो, फिर भी तुम दीन से गाफिल हो, तुम अल्लाह को भूले बैठे हो। तो कयामत की कुछ निशानियां कुरान और हदीस में बताई गई। एक है कयामत की बड़ी निशानियां, ये टोटल 10 निशानियां हैं, ये बिल्कुल लास्ट में आएंगी जब कयामत एकदम आने वाली होगी। वो कौन सी 10 निशानी होगी, आइए बता देता हूं आपको। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत हुज़ैफा इब्ने असीद गिफारी कहते हैं कि हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हमारे पास आए। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। साहबी कह रहे कि हम आपस में बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, इतने में अल्लाह के प्यारे नबी आते हैं और अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, मा तदजा करून, ऐ मेरे सहाबा, आप लोग कौन से विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कौन से टॉपिक पर बात कर रहे हैं। साहबा कहते हैं नानू न तजा करूनी साह, अय अल्लाह के नबी, हम तो कयामत के विषय पर बात कर रहे हैं। आप कभी बात करते हैं कयामत पर? हम तो आपस में बात करते हैं, कभी टीवी पर बात करते हैं, कभी फिल्मों पर बात करते हैं, कभी ममता दीदी पर बात करते हैं, कभी मोदी जी पर बात करते हैं, कभी योगी पर बात करते हैं, कभी राजनीति की बातें करते हैं, कभी हम दुनिया की बातें करते हैं, कभी घर मकान की बातें करते हैं, कभी कारोबार की बातें करते हैं। हमारी गुफ्तगु और हमारे चर्चा का विषय कभी आखिरत नहीं होता, कभी कयामत नहीं होती। ओ लोगो, हम कितने पत्थर दिल हो चुके हैं। सहाबा तो आपस में बातचीत करते थे तो कयामत के बारे में सोचते थे, आखरत के बारे में सोचते थे, अल्लाह को क्या हिसाब देना है इसके बारे में बात करते थे। साहबा बोले कि हम लोग कयामत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहा लन तकूम हत्ता तरू अशरा आयात, कयामत नहीं आएगी जब तक 10 निशानियां तुम देख न लो, 10 बड़ी बड़ी निशानियां जब तक तुम देख न लो तब तक कयामत नहीं आएगी। नंबर एक अद्दुखान, कयामत के पहले बहुत बड़ा धुआं आएगा आसमान में, धुआं आएगा, और ये धुआं जब आसमान में आएगा तो दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितने मोमिन होंगे उनको तो जुकाम हो जाएगा और जितने काफिर होंगे और मुशरिक होंगे सब मर जाएंगे, वो धुआं उनको मौत के घाट उतार देगा। तो ये कयामत के पहले की धुआं आएगा। वद्दज्जाल, और कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल आएगा। ये मुल्क के शाम और इराक के बीच में एक जगह से निकलेगा, जाहिर होगा, और ये इंसान होगा,
घुंघराले बाल वाला होगा और एक आंख का काना होगा और उसके माथे के ऊपर काफारा लिखा होगा और वो लोगों को अपना रब कहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन रब्बकुम लैसा बिआवर, ओ लोगो तुम्हारा परवरदिगार काना नहीं है, तुम्हारा परवरदिगार अंधा नहीं है, तुम्हारा परवरदिगार तो हर ऐब से पाक है। दज्जाल अपने आप को रब कहेगा, तुम उससे कभी धोखा ना खाना। दज्जाल बहुत बड़ा फितना होगा, पूरी दुनिया में फसाद मचाएगा, लेकिन मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। जैसे ही वो मक्का मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, मक्का और मदीना की सरहदों पर फरिश्ते तलवार लेकर के खड़े होंगे जो उसको फौरन उसका हमला रोकेंगे। फिर उसके बाद एक हवा चलेगी और मदीना के अंदर जितने मुनाफिक लोग होंगे सब निकल निकल करके दज्जाल के पास चले जाएंगे और मदीना में और मक्का में सिर्फ मोमिन लोग बचेंगे, नेक लोग बचेंगे। ये दज्जाल का फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी हर नमाज में जब तैयात में बैठते थे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह मैं तेरी पना चाहता हूं दज्जाल के फितने से। बहुत बड़ा फितना होगा दज्जाल का फितना। तो दज्जाल ये कयामत की बहुत बड़ी निशानी होगा। वद्दाबा, और कयामत के पहले जमीन से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया निकलेगा जो इंसानों से बातें करेगा। वह तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, और कयामत जिस दिन होगी उस दिन सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। वह नुज़ूल ईसा बने मरियम, और कयामत के पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी के पहले नबी थे, हमारे नबी के बीच में और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में कोई दूसरा नबी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद डायरेक्ट हमारे नबी दुनिया में आए थे। ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बना करके भेजे गए थे, मगर यहूदियों ने उनके साथ धोखा किया, उनके ऊपर ईमान नहीं लाए और उनको सूली पर चढ़ाने की तैयारी कर ली, मगर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह यहूदियों ने किसी और को सूली पर चढ़ा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं और वो कयामत के पहले दुनिया में आएंगे, दमिश्क की एक मस्जिद में उतरेंगे और दो फरिश्तों के कंधे पर अपना हाथ रख करके उतरेंगे, दो जर्द रंग का कपड़ा पहन करके उतरेंगे, उनके बालों से पानी टपक रहा होगा और वही दज्जाल को कत्ल करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो सलीब का खात्मा करेंगे, ईसाइयत का खात्मा करेंगे, और जिजिया का जो टैक्स होता है जो यहूदियों और ईसाइयों से लिया जाता है वो टैक्स भी वो खत्म करेंगे और डायरेक्ट वो यहूदियों और ईसाइयों को दावत देंगे कि या तो तुम इस्लाम को कबूल करो या हमसे जंग करो, या तो इस्लाम कबूल करो या जंग करो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल दुनिया में रहेंगे और उनके दौर में दुनिया में अदल इंसाफ और न्याय और बेहतरीन दौर उनका दौर होगा। मगर एक बात और नोट कर लीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे फजर की नमाज का टाइम होगा, दमिश्क की जामा मस्जिद में उतरेंगे, इमाम साहब कहेंगे कि ए ईसा आप आगे बढ़कर के नमाज पढ़ाइए, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं नहीं मैं तुम्हारा इमाम बन करके नहीं आया, मैं तो तुम्हारा मुक्तदी बन करके आया हूं। और ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते तकरीमतल्लाहि लिहाज़िल उम्मा, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को यह मकाम दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर भी इस उम्मत के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे मगर उनका कानून नहीं चलेगा, कानून चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना यह कयामत की बहुत बड़ी निशानी होगी। आज आप देख लीजिए 25 दिसंबर की तारीख अभी गुजरी है, एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले हमारे ईसाई भाई 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। उनका यह अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ गॉड हैं, अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। पूछो कि क्यों अल्लाह के बेटे, कहते हैं कि उनका तो कोई बाप नहीं था,
वो तो अल्लाह के बेटे थे, मरियम के पेट से पैदा हुए, उनका बाप अल्लाह था, नऊज़ु बिल्लाह। हम सवाल करते हैं अपने ईसाई भाइयों से कि अगर बगैर बाप के पैदा होने की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे, तो आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर माँ और बगैर बाप दोनों के बगैर पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम के पिता नहीं थे, उनके बाप नहीं थे, मगर आदम अलैहिस्सलाम के माता भी नहीं थी, पिता भी नहीं थे, न माँ थी न बाप थे, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट पैदा किया मिट्टी से। इसीलिए अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, इन मसल ईसा इंदल्लाही कमसल आदम खलकहू मिन तुराब। ओ लोगो, अगर ईसा अलैहिस्सलाम को समझना है तो आदम अलैहिस्सलाम को समझ लो। आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया और कहा कि हो जा, तो वो हो गए। जब आदम बगैर माँ के और बगैर बाप के पैदा हो सकते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के क्यों नहीं पैदा हो सकते? इसीलिए हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। हमारा अकीदा क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी, आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह किसी की औलाद नहीं, और अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं, अल्लाह के हम पल्ला भी कोई नहीं, अल्लाह के इक्वेलेंट भी कोई नहीं, अल्लाह से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, किसी का मुकाबला नहीं किया जा सकता, अल्लाह के बराबर कोई नहीं, ये हमारा अकीदा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के पहले दुनिया में आएंगे, 40 साल रहेंगे, उसके बाद उनकी भी नेचुरल मौत होगी और वो अल्लाह के पास चले जाएंगे। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, वयाजूज व माजूज, और याजूज और माजूज नाम की दो फसादी कौमें जो दुनिया में कहीं पर छुपी हुई हैं, और हजरत ज़ुल्करनैन ने एक बहुत बड़ी दीवार बना करके उनको कैद कर दिया है, और वो रोजाना उस दीवार को खोद रहे हैं, और कयामत के पहले एक दिन ऐसा आएगा कि वो दीवार को तोड़ करके निकल जाएंगे और बड़ी तबाही मचाएंगे और बड़ा फसाद मचाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला आसमान से याजूज और माजूज की गर्दन के ऊपर एक कीड़ा भेज देगा, और उस कीड़े की वजह से वो सब मर जाएंगे इकट्ठे एक साथ, और जब वो मर जाएंगे, उनके मरने से बड़ी खतरनाक बदबू जमीन में फैलेगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और आसमान से बारिश होगी और पूरी उनकी डेड बॉडी बह जाएगी और शीशे की तरह जमीन साफ हो जाएगी। ये वाकया भी कयामत के पहले होगा। वसलासतु खुसूफिन, और कयामत की बड़ी निशानियों में से अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि तीन जगहों पर जमीन को धसा दिया जाएगा, एक तो पूरब में धसाया जाएगा और एक पश्चिम में धसाया जाएगा और एक अरब के अंदर भी जमीन को धसा दिया जाएगा। और कयामत की दसवीं निशानी अल्लाह के नबी इस हदीस में फरमाते हैं, वह आखिर ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमनी तत्रुदुन्ना सैला महशरिहिम। और कयामत की दसवीं बड़ी निशानी ये होगी कि यमन से एक आग निकलेगी और उसी आग के सहारे लोग मैदान महशर की तरफ जाएंगे। वो आग लोगों को हाँक हाँक करके कयामत के दिन मैदान महशर की तरफ लेके जाएगी। तो ये 10 निशानी है, बड़ी निशानी। अब आइए कयामत की छोटी छोटी निशानी जो अल्लाह के नबी के दौर से लेकर के आज तक हो गई या हो रही है और धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है, हम उस पर थोड़ी सी रोशनी आपके सामने डालते हैं। कयामत की छोटी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी यह है कि जब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो आपका आना भी कयामत की एक निशानी थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो इस तो आना व सातु कहातैन, मैं और कयामत दुनिया में इस तरीके से भेजे गए जैसे ये दोनों उंगलियां हैं। मेरा भेजा जाना और कयामत, ये दोनों उंगलियों की तरह एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से अटैच है, जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। मेरे दुनिया में आने के बाद कयामत ताड़ा तड़ियास बेन, बंगला बोल सकता हूं मैं थोड़ा बहुत, कयामत बहुत जल्द आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे आने के बाद कयामत बहुत जल्दी आएगी। कयामत की एक दूसरी निशानी, मक्का के काफिरों ने अल्लाह के नबी से कहा, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो चांदनी की रात थी
और पूरा चांद आसमान पर था। उन्होंने कहा अगर आप चांद के दो टुकड़े कर दें तो हम आपको अल्लाह के नबी मान लेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने उंगली का इशारा किया और चांद दो टुकड़े हो गया। चांदनी रात थी, चौदहवीं का चांद था, पूरा चांद था, दो टुकड़े हो गया और हेरा के पहाड़ी के एक तरफ चांद का एक टुकड़ा और एक तरफ चांद का दूसरा टुकड़ा नजर आने लगा। मगर फिर भी मक्का वाले ईमान नहीं लाए। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, इक्तरबतिस सातु वनशक कल कमर। ए नबी, चांद का दो टुकड़े होना यह भी कयामत की एक निशानी है। बाज रिवायात में आता है कि हिंदुस्तान के किसी राजा ने उस वक्त देख लिया था चांद को दो टुकड़े होते हुए। थोड़ी देर के लिए वो हुआ था, रात भर नहीं हुआ था, थोड़ी देर के लिए हुआ था। हिंदुस्तान के किसी राजा ने देख लिया था और बाद में वो मुसलमान भी हो गया था, मगर उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इस तरीके की रिवायत तारीख में मिलती है, उसकी कोई यानी मुस्तनद रिवायत उसकी नहीं मिलती है। तो चांद का दो टुकड़े होना यह भी कयामत की बहुत बड़ी निशानी थी। इसी तरीके से कयामत की एक निशानी यह भी थी अल्लाह के नबी की मौत का होना, आपकी वफात का होना। गज़वे तबूक का मौका है, हजरत औफ इब्ने मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया कि ऐ औफ इब्ने मालिक, उदुद सितन बैन यदैसा, कयामत के पहले कयामत के परे छह चीजें तुम देखोगे, उनको देख लेना, गिन लेना। छह चीजें जब तुमको नजर आए तो समझ जाना कि कयामत आने वाली है। मौती, सबसे पहली चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, ऐ औफ इब्ने मालिक, जब मेरी मौत हो जाए, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, तो तुम समझ जाना कि कयामत करीब है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम की वफात का वाकया भी बड़ा दर्दनाक वाकया है। आज हमारा कोई महबूब दुनिया से जाने लगता है, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारा दिल तड़पने लगता है। सहाबा तो अपने नबी के ऊपर जान छिड़कते थे, सहाबा तो अपने नबी के लिए जान देने को तैयार रहते थे। सोचो सहाबा को कैसा लगा होगा जब अल्लाह के नबी की जुदाई का टाइम आया होगा, जब अल्लाह के नबी की वफात का टाइम आया होगा। आपने जब हज किया था उसी वक्त आपको एहसास हो गया था कि अब आप दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, इसलिए अब आप जब हज कर रहे थे, आप तवाफ करते थे, आप सफा मरवा के दरमियान सही करते थे, आप जमरात में मीना में पत्थर मारते थे, कंकरी मारते थे, तो आप सहाबा से कहते थे, खुजुअन्नी मनासिककुम लअल्ली ला अराकुम बाद यौमिकुम हाजा। ओ लोगो, मुझसे हज का तरीका सीख लो, मुझसे हज का के अरकान सीख लो, हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी से मुलाकात न कर पाओ, हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी को न देख सको। हजरत मुआज़ इब्ने जबल को जब अल्लाह के नबी यमन भेज रहे थे, ऊंट के ऊपर मुआज़ इब्ने जबल सवार थे और अल्लाह के नबी ऊंट की नकेल पकड़े हुए थे और अल्लाह के प्यारे नबी उनको बहुत सारी नसीहतें कर रहे थे, बहुत सारी बातें समझा रहे थे। उसी में अल्लाह के नबी ने फरमाया, या मुआज लअल्लक तमुर बिमस्जिदी हाजा व कब्री। ए मुआज, हो सकता है कि जब आइंदा साल तुम मदीना के अंदर आओ तो तुम अपने नबी से मुलाकात न कर पाओ, हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम आओ तो तुम्हारे नबी का इंतकाल हो चुका होगा और तुम अपने नबी की कब्र के पास से गुजरोगे। हजरत मुआज ने बल्कि आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, हे अल्लाह के नबी ये कैसी बातें कर रहे हैं, हे अल्लाह के नबी मैं आपकी जुदाई के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं आपकी वफात के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप रोने लगे, अल्लाह के नबी ने मदीना की तरफ अपना चेहरा घुमाया और आपने फरमाया, औलन नास बी अल मुत्तकून हैसु कानू वमन कानू। ए मुआज, कल कयामत के दिन जो लोग मुत्तकी होंगे, जो लोग परहेजगार होंगे, जो लोग अल्लाह से डरने वाले होंगे, वो कल कयामत के दिन से करीब रहेंगे। ए मुआज़ इब्ने जबल, तुम भी अल्लाह से डरते रहना, तुम भी मुत्तकी बन जाना, कल कयामत के दिन तुम मेरे साथ रहोगे। सफर की आखिरी तारीख थी, मुहर्रम का महीना आता है, आप लोगों को तो याद भी नहीं होगा साल के 12 महीनों के नाम, उनको तो जनवरी फरवरी मार्च ये याद रहता है, इस्लामी कैलेंडर का नाम भी याद नहीं होता लोगों को। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, बोलो बोलो भाई, जानते हैं? मुहर्रम। मुहर्रम के बाद सफर, सफर के बाद रबीउल अव्वल, अल्लाह के नबी की वफात हुई रबीउल अव्वल के महीने में।
उसके पहले का महीना सफर है, सफर की आखिरी तारीखों में अल्लाह के नबी एक जनाजे में जाते हैं बकी के कब्रस्तान में, और वहीं से आपको सर में दर्द शुरू होता है। आप घर आते हैं और आप हजरत आयशा से कहते हैं कि आयशा मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी मेरे सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। वही बीमारी की शुरुआत थी अल्लाह के नबी की, और उस बीमारी की शुरुआत के बाद इस दुनिया में अल्लाह के प्यारे नबी 13 या 14 दिन तक रहे, और 12 रबीउल अव्वल की तारीख को अल्लाह के नबी की वफात हो जाती है। और जिस दिन अल्लाह के नबी की वफात होती है, अम्मा आयशा ने नक्शा खींचा है, फजर की नमाज का टाइम हुआ, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, साहबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई, थोड़ा आराम आपको महसूस हुआ, आप उठे और आपने दरवाजे का पर्दा हटाया, सामने सफ लगी हुई है और नमाज चल रही है, अल्लाह के नबी की के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, आप मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराए? आप ये सोच करके मुस्कुराए कि मेरी उम्मत मेरे बाद अपने मिशन पर चल रही है, मेरे बाद नमाज चल रही है, मैं दुनिया से चला जाऊंगा तब भी मेरा मिशन दुनिया में बाकी रहेगा, मेरे साहबा नमाज कायम करेंगे, मेरे साहबा दीन कायम करेंगे। ओ लोगो, हम कितने बड़े बेगैरत हैं, हम कितने बड़े बेशरम हैं। आज हम दावा करते हैं कि हमें नबी से प्यार है, हमें नबी से मोहब्बत है, और हम नबी की मोहब्बत के नाम पर बड़े बड़े दावे करते हैं, और 5 टाइम की नमाज में भी हम नहीं रहते, हम नमाज से भी दूर रहते हैं। आखिरी टाइम अल्लाह के नबी मुस्कुराए ये देख करके कि सहाबा नमाज पढ़ रहे, और सहाबा अपने नबी से इतना प्यार करते थे, सहाबा को महसूस हो गया कि अल्लाह के प्यारे नबी दरवाजे पर आ चुके हैं। सहाबा खुश हो गए और कहने लगे, बाद में सहाबा कहते हमें ये डर हुआ कि कहीं नमाज हमारी खराब ना हो जाए, हम कहीं नमाज से निकल ना जाए, इतनी खुशी हमको हुई कि अल्लाह के नबी की तबीयत आज अच्छी हो गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पीछे हटने की कोशिश की, प्यारे नबी ने हाथ से इशारा किया कि तुम नमाज को कंटिन्यू रखो, और उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने पर्दा गिरा दिया। सहाबा कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो अल्लाह के नबी का हम सब ने किया था, या नबी ने हमारा किया था। और बेचैनी का आलम देखो मेरे भाई, अपनी वफात के पहले अल्लाह के नबी बेचैन थे और मौत की सख्तियां आपके ऊपर तारी थी। अल्लाह के प्यारे नबी के बगल में आपके बाजू में एक लकड़ी का प्याला रखा था, उसमें पानी था, आप बार बार अपने चेहरे पर पानी डालते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा आइनी अला सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह मौत की सख्तियों पर तू मेरी मदद फरमा। आखिरी टाइम आपने मिसवाक भी किया था। अम्मा आयशा फरमाती हैं मेरे भाई अब्दुल रहमान बिन अबू बकर मिसवाक लेकर के आए, नबी अकरम की नजर पड़ी, आपने इशारा किया, मैं समझ गई कि आपको मिसवाक चाहिए, मैंने अपने भाई से मिसवाक को लिया और अपने दांतों से मैंने मिसवाक को नरम किया, और इस तरीके से अल्लाह के नबी के आखिरी टाइम में मेरा लुआबे दुहन, मेरे मुंह का जो थूक है वो अल्लाह के प्यारे नबी के थूक से मिल गया, मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब से मिल गया। हजरत आयशा कहती हैं मेरे कंधे पर सर रख करके, मेरी गोद में सर रख करके अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल हुआ था। आप बेचैन थे, बार बार अपने चेहरे पर पानी डाल रहे थे और यही कह रहे थे अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह तू मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। फिर आपने अपने हाथों को आसमान पर उठाया और आपने फरमाया माल्लजीना अनामल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना, ऐ अल्लाह तू मुझे अपने नेक बंदों के साथ उठाना, ऐ अल्लाह अपने नबियों के साथ उठाना, अपने सिद्दीकीन के साथ उठाना, अपने शुहदा के साथ उठाना, अपने नेक और साले बंदों के साथ उठाना। अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीकिल आला, ऐ अल्लाह तू अपने नेक बंदों की रफाकत के में मुझे बुला ले, तू उनके साथ मुझे बुला ले। इतना कहकर के आपने अपने हाथों को उठाया था और फिर धीरे धीरे आपके हाथ जमीन पर आ गए और आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। यह वफात का लम्हा था। सहाबा कहते हैं कि जिस दिन अल्लाह के नबी की वफात हुई उससे ज्यादा अंधेरे वाला, उससे ज्यादा तारीख दिन मदीना में कोई नहीं था।
जिस दिन अल्लाह के नबी मदीना में आए उससे ज्यादा रोशनी वाला कोई दिन नहीं था, और जिस दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ उस दिन से ज्यादा गम का दिन और उससे ज्यादा अफसोस का दिन कोई दिन नहीं था। आपकी बेटी हजरत फातिमा अपने बाप के इंतकाल पर रोते हुए कहती हैं, या अबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, या अबता इला जिब्रील नना, ऐ मेरे अब्बा जान जिनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है, हम जिब्रील को अपने बाप की मौत की खबर सुनाते हैं। और जब अल्लाह के नबी को कब्र में उतारा गया, हजरत फातिमा हजरत अनस से कहती हैं, ऐ अनस अताबत अनफुसुकुम अंतासु अला वजी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब, ऐ अनस जरा बताना कि तुमने नबी के जिस्म के ऊपर और नबी के चेहरे के ऊपर जब तुमने कब्र में मिट्टी डाली थी तुमको कैसा लगा था, तुम्हारे दिल ने कैसे गवारा किया कि तुमने अपने नबी के ऊपर मिट्टी डाली थी। नबी अकरम की वफात ये भी कयामत की बहुत बड़ी निशानी थी। उसके बाद आपने फरमाया, वफत हो बैतिल मक़दिस, और आए औफ इब्ने मालिक, कयामत की जो छह निशानियां मैं तुमको बता रहा हूं उसमें तीसरी निशानी यह है कि बैतुल मुकद्दस फतह हो जाएगा। हजरत उमर फारूक के दौर में सन 18 हिजरी में बैतुल मुकद्दस के पास मुसलमानों की फौज पहुंच जाती है। बैतुल मुकद्दस के जो पादरी थे उन्होंने कहा कि हम चाबी नहीं देंगे तुम्हारे हाथ में, जब तक तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन ना आ जाए तब तक हम चाबी नहीं देंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को खत लिखा गया, अय अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुकद्दस की चाबी नहीं मिल रही है, वो लोग कह रहे हैं कि आपके हाथों में चाबी देंगे। हजरत उमर ने कहा कोई बात नहीं, अपने गुलाम को लिया, ऊंट पर सवार हुए, और रास्ते में कभी गुलाम ऊंट पर है और हजरत उमर पैदल चल रहे हैं, कभी हजरत उमर ऊंट के ऊपर और गुलाम पैदल चल रहा है। इस तरीके से मदीना से 700 किलोमीटर का सफर तय करके बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं, और दूर से जब बैतुल मुकद्दस के पादरियों ने देखा हजरत उमर को, कहा वल्लाह हमने तौरात में इन नेक लोगों का तस्करा पड़ा था, ये तो हमारे हजरत ईसा के हवारियों से बेहतर हैं ये। और उसके बाद हजरत उमर के हाथ में उन्होंने चाबी दी थी, और हजरत उमर ने जब बैतुल मुकद्दस का ताला खोला और अल्लाह के इस तीसरी मस्जिद में, मस्जिद हराम के बाद और मस्जिद नबी के बाद तीसरी मस्जिद जिसका बहुत ऊंचा मकाम है, यही मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुकद्दस है, उसमें हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी। तो बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथ में आया था, यह बहुत बड़ी निशानी थी कयामत। फिर हालात ने पलटा खाया, फिर बैतुल मुकद्दस ईसाइयों के हाथ में दोबारा चला गया। फिर सलाउद्दीन अयूबी नाम का एक बहादुर सिपाही पैदा हुआ था मुसलमानों में, उसने फिर बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों के कब्जे में दिलाया, और आज फिर वो बैतुल मुकद्दस यहूदियों के कब्जे में है। यह अलग बात है, वहां नमाज होती है लेकिन उस पर कंट्रोल यहूदियों का है। तो मेरे भाइयों, बैतुल मुकद्दस की फतह ये भी कयामत की बहुत बड़ी निशानी थी। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते, व मूतानुन याखुज़ु फीकुम कक़ुआसिल गनमी, ऐ औफ इब्ने मालिक, कयामत की एक निशानी ये भी होगी कि ऐसी मौत आएगी बकरियों के अंदर जैसे कीड़ा लग जाता और बकरियां एक साथ मरने लगती हैं हजारों लाखों की तादाद में, ऐसा वायरस आएगा, ऐसी बीमारी आएगी कि लोग मरेंगे। हजरत उमर के दौर में ताऊन अमवास की बीमारी आती है, बड़े बड़े साहबा उस बीमारी में इंतकाल कर जाते हैं, बड़ी खतरनाक बीमारी आती है, हजारों साहबा उस बीमारी में इंतकाल कर जाते हैं, हजरत मुआज़ इब्ने जबल भी उसी बीमारी में इंतकाल कर जाते हैं। तो ये बीमारी जैसे हमारे दौर में कोरोना की बीमारी आई थी, हो सकता है आपके कलकत्ता में उसका असर कम था मगर बहुत सारी जगहों पर बहुत खतरनाक असर था, एक साथ एक एक मोहल्ले से 40-40 लोगों के इंतकाल का ऐलान हुआ था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसी मौत आएगी जानवरों की तरह लोग मरेंगे। उसके बाद आपने फरमाया, सुम्मस्ती फाजतुल माली हत्ता युतर रजुलु मिअत दीनारिन फयजल्लु साखिता,
इतना पैसा लोगों के पास हो जाएगा कि 100 दिनार भी जिसको दिया जाएगा वो नाराज रहेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आया, बहुत खुशहाली आ गई और बहुत मुसलमानों के पास दौलत आ गई। ये दौर भी मुसलमानों ने देखा। उसके बाद आपने फरमाया सुम फितनतुन ला यबका बैतुम मिन अल अरब इल्ला दखलतु। फिर एक ऐसा फितना आएगा कि अरब के घर घर में वो फितना पहुंच जाएगा। हजरत उस्मान गनी की शहादत का फितना था। इस फितने के बाद जब सहाबा की आपस में लड़ाइयां हुई और जंगें हुई, ये बहुत बड़ा फितना था जो पूरे अरब पर जिसका असर पड़ा था। सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल असफर। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारे दरमियान और रूमियों के दरमियान सुलह होगी। फयगदिरूना फिर वो गद्दारी करेंगे। फयातूनकुम ताता समानी ना गाया फिर वो बहुत बड़ी फौज लेकर के तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। 80 झंडों की फौज होगी और हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी। बहुत बड़ी फौज लेकर के वो तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। ये निशानियां अल्लाह के नबी ने क़यामत के बयान की। क़यामत की एक निशानी आपने ये भी फरमाई कि ज़िना बहुत ज्यादा होगा। मिन अशरात साथ यज़हर ज़िना के ज़िना बहुत ज्यादा होने लगेगा। आज हालात आप देख लीजिए, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा मोहल्ला है जहां आज मुसलमानों में ये गंदगी ना पाई जा रही हो। और जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया, जब से मोबाइल का और स्मार्टफोन का दौर आया, अब ये ज़िना और आसान हो गया और हमने दूसरी तरफ निकाह को मुश्किल बना दिया। हमारे यहाँ जहेज की रस्म आ गई, हमारे यहाँ बारात की रस्म आ गई, हमारे यहाँ शादी ब्याह में लंबे चौड़े खर्च की रस्म आ गई। अब निकाह मुश्किल हो गया और ज़िना आसान हो गया। हालात ये हो गए, ज़िना करने पर उतना बुरा नहीं माना जाता जितना एक आदमी, उसको अल्लाह ने ताकत दी है, दौलत दी है। अगर वो एक से ज्यादा शादी करना चाहे, दूसरी शादी करना चाहे, पूरा समाज उसको गाली देने लगता है, पूरा समाज उसको गलत नजरों से देखने लगता है। कितनी औरतें तलाकशुदाएं, बेवाएं, उनकी जवानी बर्बाद हो रही है, वो गलत रास्तों की तरफ जा रही हैं। लेकिन अगर उनके बाप से कोई कह दे कि फलां से अपनी लड़की की शादी कर दो, वो शादीशुदा है, उसकी दूसरी निकाह की उसको ज़रूरत है, तुम उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दो, बाप तैयार नहीं है। लड़की जिना कर ले, गलत रास्ते की तरफ चली जाए, बाप को ये तो गवारा है, मगर दूसरी शादी करना गवारा नहीं है। हमने भाइयों जिना को आसान कर दिया। महाराष्ट्र में अभी मेरा प्रोग्राम था, अकोला एक जगह पड़ती है, वहां बड़ा अच्छा इलाका है, मुसलमानों की बस्ती है। मेरे पास कई नौजवान आए, कहने लगे मौलाना साहब हमारी उम्र 30 साल की हो जाती है, 32 साल की हो जाती है, हमारे माँ बाप हमारी शादी नहीं करते हैं, हम अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमारी शादी नहीं करते हैं, शादी बड़ी लेट होती है। मौलाना साहब हम लोग बहुत तरीका अपनाते किसी तरीके से हमारे माँ बाप को समझ में आए, मगर यहाँ 30 साल के पहले लोग शादी नहीं करते। मैंने कहा ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने तकरीर में वहां लोगों को बताया, ओ लोगों तुम्हारा लड़का जब 20 साल की उम्र में जवान हो गया, तुम्हारी लड़की जब 18 साल की उम्र में जवान हो गई, तो तुम क्या समझते हो कि 10 साल तक वो तकरीरें सुन करके और नमाज पढ़ करके और रोजा रख करके वो ज़िना से बच जाएगा, वो बदकारी से बच जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। इंसान को भूख लगी हो तो खाना उसको देना जरूरी है, प्यास लगी हो तो पानी देना जरूरी है, जब वो शादी के काबिल हो गया है तो उसकी शादी कर देना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुम अलबाता फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों अगर तुमको शादी करने की ताकत है तो तुम जल्दी से शादी कर लो। फइन्नहु अग़ज़ुल बसर व अहसनुल फर्ज। जब तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तुम जिनाकारी से बचोगे, तुम बदकारी से बचोगे और तुम्हारी नजर भी बच जाएगी, तुम नजर का भी गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। दामाद भी हम कैसा तलाश करते हैं, पैसे वाला। दीनदारी कौन देखता है साहब? लड़की के अंदर खूबसूरती और लड़के के अंदर पैसा, यही तो देखा जाता है। लड़का चाहे लंगूर के जैसा हो लेकिन उसको लड़की चाहिए हूर के जैसे, यही मिजाज है हमारा। दीनदारी कौन देखता है?
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ून दीनहू व खुल्क़हू फज़व्विजूहू, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, तो जल्दी से उसका निकाह कर दो, उसकी शादी कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्द व फसादुन आरीज़, तो ज़मीन के अंदर फितना फैल जाएगा और फसाद फैल जाएगा, और फसाद फैल चुका है। 2 लाख मुसलमान लड़कियां आज गैर कौम के साथ भाग करके निकाह कर चुकी हैं, कोर्ट मैरिज कर चुकी हैं और उनके धर्म को कबूल कर चुकी हैं। यह सिर्फ महाराष्ट्र की रिपोर्ट है, बंगाल में भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हो रहे हैं। जिना आम हो चुका है, होटलों में चले जाओ, आज रजिस्टर खोल करके देखो, लड़के का नाम गैर मुस्लिमों वाला और लड़की का नाम मुसलमानों वाला है। आज कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जिनको इश्क और प्यार के जाल में फंसा करके उनकी इज्जतों का सौदा किया जा रहा है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तफना हाज़िहिल उम्मा, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी, ये उम्मत उस वक्त तक बर्बाद नहीं होगी जब तक ज़िना इतना आम हो जाएगा कि खुले आम लोग ज़िना करेंगे। और उस दौर में सबसे नेक आदमी वो होगा जो कहेगा लौ वारैता वरा हाज़ल आयत, कि भाई साहब तुम ये काम दीवार के पीछे जा करके करो, तुम पब्लिक प्लेस पर न करो, तुम सड़क पर मत करो, तुम सबके सामने मत करो, ये दौर आ जाएगा। कयामत की एक निशानी ये भी है कि लोग उलमा को छोड़ करके जाहिलों से फतवा पूछेंगे। किसी का कपड़ा शानदार है, पैंट कोट पहन करके और टाई लगा करके, हदीसों का नंबर उसको याद है, कुरान की आयतों का नंबर याद है, वो आकर के फतवा दे रहा है और आप उसको मुफ्ती समझ रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो शरीयत के हलाल को हराम बनाने लगेंगे और शरीयत के हराम को हलाल बनाने लगेंगे, और लोग उलमा को छोड़ करके ऐसे लोगों के पीछे भागेंगे। उलमा का मकाम किसी और को मत दो मेरे भाई, ये उलमा तुम्हारी पूंजी हैं, जो सही उलमा है, जो मुस्तनद उलमा है, जो कुरान और हदीस के जानकार उलमा है, उन उलमा को अपनी पूंजी समझो, उन अपना कैपिटल समझो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रवायत है, इन्नल्लाह ला यक्बिज़ुल इल्मा इंतज़ायन तज़िउहू मिनल इबाद, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक्बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा, हत्ता इज़ा लम युबकी आलिमन।